तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। आज है 9 दिसंबर 2020 दिन बुधवार। जानेंगे हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। तो बिना किसी देर के वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि आपको हिमाचल प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें मिल सकें। रोहतांग समेत ऊंची चोटियों पर बर्फबारी, अटल टनल यातायात के लिए बंद। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग, लाहौल समेत ऊंची चोटियों पर फिर बर्फबारी दर्ज की गई है। ताजा हिमपात से समूची घाटी एक बार फिर कड़ाके की ठंड की चपेट में आ गई है। ठंड के कारण स्थानीय लोग घरों में दुबकने को मजबूर हैं। उधर ताजा बर्फबारी से अटल टनल रोहतांग वाहनों की आवाजाही के लिए बंद हो गई है। टनल के दोनों छोर में ताजा बर्फबारी होने से फिसलन का खतरा बढ़ गया है। पुलिस अधीक्षक लाहौल स्पीति मानव वर्मा ने अटल टनल रोहतांग के बंद होने की पुष्टि की है। अटल टनल होकर वाहनों की आवाजाही नहीं होने से पर्यटक सोलंग नाला से आगे नहीं जा सकेंगे। लाहौल स्पीति पुलिस ने भी पर्यटकों को टनल की ओर रुख न करने की हिदायत दी है। कोरोना की चैन तोड़ने को 5 दिन का लॉकडाउन, प्रशासन ने व्यापारियों से चर्चा में दिए सुझाव। जिला मंडी में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन ने इस चैन को तोड़ने के लिए कुछ सुझाव दिए हैं, जिन पर अमल करने के लिए संबंधित व्यापार मंडलों से सहयोग मांगा है। इसी कड़ी के तहत सुंदरनगर प्रशासन ने भी स्वीकृत व्यापार मंडल से संपर्क कर सुझाव दिया है कि या तो व्यापार मंडल स्वेच्छा से कोरोना की चैन तोड़ने के लिए 5 दिन का लॉकडाउन करें, अन्यथा सरकार के निर्देश के अनुसार सभी व्यापारियों और उनके कर्मचारियों के कोरोना टेस्ट किए जाएंगे। व्यापारियों के टेस्ट करने की प्रक्रिया पूरी करने के लिए करीब 20 दिन का समय लगेगा। अगर व्यापारी स्वेच्छा से 5 दिन का लॉकडाउन करते हैं तो वह इस लंबी प्रक्रिया से बच सकते हैं। पंचायत चुनाव में लगेगी 20,000 अतिरिक्त कर्मचारियों की ड्यूटी। हिमाचल प्रदेश में प्रस्तावित पंचायती राज संस्था के चुनाव कराने के लिए 20,000 अतिरिक्त कर्मचारियों की ड्यूटी लगेगी। राज्य चुनाव आयोग ने पिछले पंचायत चुनाव में 50,000 कर्मचारियों की ड्यूटी नवंबर में लगा दी गई थी। आयोग के अधिकारियों के मुताबिक पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में पिछली बार कुल 7500 पोलिंग पार्टियां चुनाव ड्यूटी पर भेजी गई थी। कुल 3615 चुनाव अधिकारी तैनात किए थे। प्रदेश में इस बार पंचायतों की संख्या 3226 से बढ़कर कुल पंचायतों की संख्या 3615 तक पहुँच गई है। इसके अलावा पंचायतों के वार्डों की संख्या 21,384, पंचायत समिति के वार्ड 1791 और जिला परिषद के वार्ड 249 हैं। इस साल मनाली में नहीं होगा क्रिसमस, नव वर्ष का जश्न। हिमाचल की पर्यटन नगरी मनाली में इस बार क्रिसमस के साथ नए साल का जश्न नहीं होगा। मनाली के होटलियरों ने कोरोना के चलते क्रिसमस और न्यू ईयर पार्टी नहीं करवाने का निर्णय लिया है। मनाली के निजी होटलों में हर साल क्रिसमस व न्यू ईयर को लेकर रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन होता था, लेकिन इस साल यह जश्न फीका रहने वाला है। कोरोना के चलते सामाजिक दूरी सहित अन्य जरूरी सावधानियों की वजह से पार्टियों के आयोजन को रद्द कर दिया गया है। ऐसे में इसकी तैयारियां भी होटलियों की ओर से नहीं की जा रही है। मनाली का पर्यटन भी कोरोना के चलते गति नहीं पकड़ पा रहा है। मोबाइल नेटवर्क ना मिला तो 5 किलोमीटर दूर पहाड़ी पर दी ऑनलाइन परीक्षा। सरकार के डिजिटल इंडिया के बड़े बड़े दावों के बीच जमीनी हकीकत ये है कि मोबाइल नेटवर्क की तलाश में बच्चों को घर से 5 किलोमीटर दूर पहाड़ की चोटी पर जाकर ऑनलाइन परीक्षा देनी पड़ी। मंगलवार को मौसम खराब रहा और बारिश से बचने के लिए बच्चों ने खतरनाक चट्टान के नीचे ओट लेकर पर्चा दिया। कोरोना महामारी के बीच हिमाचल के जनजातीय इलाके भरमौर की, खुंदेल और बलोट पंचायतों के बच्चों को सेकेंड टर्म की ऑनलाइन परीक्षा देना जान पर भारी पड़ सकता है। परीक्षा के लिए सिग्नल की तलाश में बच्चे 3 घंटे का सफर तय कर पहाड़ी तक पहुंच रहे हैं। कसौली के 5 बार विधायक रहे रघुराज का निधन। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व कसौली विधानसभा क्षेत्र के 5 बार विधायक रहे रघुराज का मंगलवार देर रात निधन हो गया। वह 85 साल के थे और लंबे समय से अस्वस्थ थे। उनके निधन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गहरा शोक जताया है। जानकारी के अनुसार बीती रात 9:05 पर उनका परवाणु स्थित आवास में निधन हो गया। रघुराज वर्ष 1982 में पहली बार कसौली विश क्षेत्र के विधायक बने थे। निजी स्कूल 15 दिन में सुलझाएं फीस और फंड के मामले, बैठक में दिए निर्देश। हिमाचल में निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ मुखर, अभिभावकों को राहत मिलने की आस जगी है। राजधानी शिमला के 21 निजी स्कूलों के प्रिंसिपलों के साथ मंगलवार को उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने बैठक की। उन्होंने प्रिंसिपलों को निर्देश दिए कि पीटीए बैठक बुलाकर सभी स्कूल 15 दिन में फीस और फंड का मामला आपसी सहमति से सुलझाएं और इसकी रिपोर्ट दें। साथ ही निजी स्कूल अभिभावकों को फीस को लेकर चेतावनी भरे SMS और ईमेल भेजना बंद करें। गर्भवती पत्नी ने नेपाल से वीडियो कॉल पर किए शहीद पति के अंतिम दर्शन। शहीद बिलजंग गुरुंग की पत्नी के लिए देवर का वीडियो कॉल पति के अंतिम दर्शन की कड़ी बन गई। शहीद की पत्नी दीपा गुरुंग 8 माह की गर्भवती हैं और वह परिजनों के साथ नेपाल से हिमाचल के सुबाथू नहीं आ पाई। सुबाथू में जब शहीद पति की अंतिम रस्में चल रही थी
तो उनकी पत्नी नेपाल में बैठकर अंतिम संस्कार के मोबाइल पर हो रहे प्रसारण देखकर रो रही थी। शहीद के भाई तुलसी गुरुंग ने बताया कि उनकी भाभी दीपा गुरुंग को शहीद के अंतिम दर्शन के लिए नहीं लाया जा सका। ऐसे में उन्होंने मोबाइल से वीडियो कॉल पर शहीद बिलजंग की पूरी अंतिम यात्रा के दर्शन करवाए। सीयू की यूजर एजेंसी बदलने को हिमाचल ने केंद्र को लिखी चिट्ठी। सियासी शीतयुद्ध का केंद्र बिंदु बन चुके धर्मशाला के केंद्रीय विश्वविद्यालय के कैंपस को जमीन पर उतारने के लिए हिमाचल सरकार ने कवायद तेज कर दी है। इसके तहत वन विभाग की संस्तुति के बाद प्रदेश सरकार ने केंद्रीय वन मंत्रालय से सीयू के लिए देहरा में चयनित कैंपस की भूमि की यूजर एजेंसी केंद्रीय विश्वविद्यालय को बनाने की सिफारिश कर दी है। अब केंद्र की मंजूरी के बाद निदेशक उच्च शिक्षा से बदलकर केंद्रीय विश्वविद्यालय की यूजर एजेंसी बनने के बाद केंद्रीय बजट से मिलने वाली राशि से कैंपस का निर्माण शुरू हो जाएगा। हिमाचल में 29,135 लोगों को खांसी जुकाम, होंगे कोरोना टेस्ट। हिम सुरक्षा अभियान के तहत प्रदेश में 21,54,952 लोगों की जांच की गई है। 29,135 लोगों को खांसी जुकाम की शिकायत है। 8,476 में तपेदिक और 688 में कुष्ठ रोग की पहचान की गई है। सरकार ने सभी जिलों में अधिकारियों को कोविड और कुष्ठ रोग के संभावितों के तत्काल सैंपल लेने के निर्देश दिए हैं। यह जानकारी स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी ने दी है। उन्होंने कहा कि अब तक जिला बिलासपुर में 130,058, चंबा में 152,480, हमीरपुर में 186,825, कांगड़ा में 487,758, किन्नौर में 18,313, कुल्लू में 161,723, लाहौल स्पीति में 5,943, मंडी में 3,69,730, शिमला में 146,761, सिरमौर में 137,907, सोलन में 198,892 और ऊना में 165,562 लोगों की स्वास्थ्य जांच की जा चुकी है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 24 नवंबर को इस अभियान की शुरुआत की थी। ये 27 दिसंबर 2020 तक चलेगा। हर सैलानी को मिलेगा थैला, कलेक्शन सेंटर में देना होगा कूड़ा, परमिट भी ऑनलाइन मिलेगा। अटल टनल रोहतांग होकर घाटी का रुख करने वाले हर पर्यटक को कचरा डालने के लिए प्रशासन एक थैला देगा। सैलानी कचरे को इधर उधर फेंकने की बजाय थैले में डालकर कलेक्शन सेंटर में जमा कराएंगे। थैले की अवज में सैलानियों से कुछ पैसे भी वसूले जाएंगे ताकि पर्यटन से जुड़ी मूलभूत सुविधाओं का रखरखाव किया जा सके। वहीं चंद्रताल समेत घाटी की खूबसूरत वादियों के भ्रमण करने वाले सैलानियों को अब ऑनलाइन परमिट के साथ ही तमाम जानकारियां एक क्लिक पर उपलब्ध होंगी। पर्यटन गतिविधियों पर पैनी नजर रखने के साथ घाटी की स्वच्छ आबो हवा को बनाए रखने के लिए सिसु में आईटी सेल का कार्यालय खुलेगा। सुलगती पंखा फैक्ट्री के मलबे में दो और कंकाल मिले। हिमाचल के बद्दी के काठा स्थित यश वैन अप्लायंसेज में अग्निकांड के दूसरे दिन भी आग सुलगती रही। इस सुलगती पंखा फैक्ट्री के मलबे में मंगलवार को दो और कंकाल मिले हैं। फैक्ट्री में गत सोमवार सुबह जोरदार धमाके के बाद आग लग गई थी, जिसमें एक महिला जिंदा जल गई थी। मंगलवार को दो कंकाल मिले हैं जिनकी पहचान डीएनए टेस्ट से ही हो पाएगी। हालांकि प्रबंधन इन्हें लापता दो महिलाओं के शव होने की बात कह रहा है। इस अग्निकांड में मरने वालों की संख्या 3 पहुंच चुकी है। हिमाचल के इस नगर निगम की वोटर लिस्ट में मुर्दे भी मतदाता, उठे गंभीर सवाल। हिमाचल के नगर निगम मंडी के चुनाव से पहले तैयार की जा रही मतदाता सूचियों में भारी गड़बड़ी सामने आई है। पुरानी मंडी वार्ड 2 के मतदाता सूची में 87 ऐसे लोग के नाम शामिल कर लिए गए हैं जिन्हें मरे हुए वर्षों बीत चुके हैं। वार्ड में मरने वाले लोगों की सूचना संबंधित परिवार पार्षद को देता है और पार्षद यही सूचना नगर परिषद को। मृतकों का नाम हटाना नगर परिषद का काम है, लेकिन सूची सामने आने से साफ है कि करीब एक दशक से नगर परिषद ने मरने वालों के नाम ही नहीं हटाए हैं। अभी तक वार्ड 2 की सूची में ही खामियां निकली हैं। शेष 14 वार्डों की मतदाता सूचियों को जांचा जाए तो ऐसे कई मामले सामने आ सकते हैं। हिमाचल में गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन महंगी, आदेश तत्काल प्रभाव से लागू। हिमाचल प्रदेश में वाहनों की रजिस्ट्रेशन फीस बढ़ा दी गई है। सरकार ने फैसला लेने के बाद नई दरों के निर्धारण के आदेश जारी कर दिए हैं। मंगलवार को जारी आदेशों के साथ नई रजिस्ट्रेशन फीस लागू हो गई है। सरकार ने 6-8% तक दरें निर्धारित की हैं। जारी आदेशों के अनुसार प्रदेश के भीतर खरीदे गए नए वाहन जिसमें मोटरसाइकिल या स्कूटर की कीमत यदि 1,00,000 रुपये से अधिक नहीं है तो उस पर रजिस्ट्रेशन की फीस 6% तक लगेगी। यानी कुल लागत का 6% पैसा सरकार को रजिस्ट्रेशन फीस के रूप में जमा करना होगा। यदि मोटरसाइकिल या स्कूटर की कीमत 1,00,000 रुपये से ज्यादा की होगी तो उस पर 7% की दर से रजिस्ट्रेशन फीस अदा करनी होगी। तो दोस्तों, अब मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।